नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर के बारे में। तो दोस्तों, जो आज का मॉडल पेपर है उसका जो सब वो सब्जेक्ट है इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र, ठीक है, हिस्ट्री फर्स्ट पेपर। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर इतिहास यानी कि हिस्ट्री फर्स्ट पेपर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मॉडल पेपर दीजिए। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, ये सारी पीडीएफ है। अगर आप ये भी चाहते हैं कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें या कैसे करना है, ये सारी जानकारी वीडियो के लास्ट तक आपको देखना है। वीडियो के अंत में बताऊँगा कि आप ये पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन समझिएगा। मैं कुछ जानकारी भी देने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, जो मेरा चैनल देख रहे हैं आप सारी, बहुत सारे स्टूडेंट इस चैनल को देख, यानी वीडियो को देख रहे हैं, काफ़ी सब अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि कोई अवध यूनिवर्सिटी से होगा, कोई कानपुर यूनिवर्सिटी से होगा, कोई जौनपुर यूनिवर्सिटी से होगा, कोई कानपुर यूनिवर्सिटी से होगा और कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से होगा। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, सभी जो जितनी भी यूनिवर्सिटी, सभी में जो एग्ज़ाम होते हैं वो अलग अलग मार्क्स से होते हैं। जैसे कि जो अवध यूनिवर्सिटी का होता है, उसमें जो बीए फर्स्ट ईयर का होता है, उसमें जो 100 क्वेश्चन रहते हैं और 100 उसके मार्क्स रहते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। और जो कानपुर यूनिवर्सिटी है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें है यानी कि एक एक क्वेश्चन जो आप लोगों का रहता है वो हाफ मार्क यानी कि आधे नंबर का होता है। तो सबके अलग अलग डिफरेंट रूल्स हैं, तो ये आप अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन जो क्वेश्चन है और जो तरीका है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ उस वीडियो में, ठीक है। तो क्वेश्चन तो सिमिलर आपको देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चन में कोई इशू है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के एग्जाम में आते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए आज के जो पहला क्वेश्चन उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, मोहम्मद गौरी के मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों का शासक कौन था। तो नंबर एक है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी नंबर है इल्तुतमिस, सी नंबर गयासुद्दीन और डी नंबर शहाबुद्दीन। ये सब क्वेश्चन आप लोगों ने जो 10th 11th में पढ़े होंगे वही सब क्वेश्चन है। ये थोड़ा एडवांस लेवल में बस आए हुए हैं, बस ये सब क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा है 10th और 12th में, ठीक है। तो सब वही क्वेश्चन है। अगर जिन स्टूडेंट ने रेगुलर क्लास किए होंगे तो उन लोगों को इसका करेक्ट आंसर मालूम ही होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में करेक्ट आंसर नहीं बताने वाला हूँ, आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आइडिया देने वाला हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आंसर आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था इसका आंसर बताने के लिए, तो क्वेश्चन का आंसर आप समझ लीजिएगा। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो एग्ज़ाम होता है फर्स्ट ईयर का, उसमें मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन रहता है उसके 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें जो करेक्ट रहेगा उसको आपको करेक्ट करके आपके ओमार शीट में फिल करना होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, जो सही होगा उसको ओमार शीट में फिल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों मेरे पास यार टाइम नहीं था ना, इसलिए मैंने इसका आंसर की नहीं निकाल पाया। फिलहाल मैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आंसर की प्रोवाइड कर दूंगा, कोई इशू की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के राज सिंहासन पर कौन आसीन हुआ। तो नंबर एक है डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी नंबर रजिया सुल्तान और सी नंबर है आराम शाह और डी नंबर है बलबन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है, बता सकते हैं आप। और नीचे आपको ये भी दिख रहा होगा, ये जो स्टूडेंट इंग्लिश में इसका आंसर देना चाहते हैं तो क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में भी है, आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया, बता दीजिए आपको मालूम है तो। नेक्स्ट वीडियो में हो सकेगा तो आप लोगों का आंसर की भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। दक्षिण विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा, तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अगर आंसर मालूम है आपको तो। ये सब आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। इसकी मैं पीडीएफ आप लोगों को बता दूंगा अभी कहाँ से डाउनलोड करना है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों, जो पीडीएफ यानी कि वेबसाइट की, जो मुझे इतने ही क्वेश्चन मिले हैं बेसिकली, क्योंकि जो कि आप लोगों के लिए आइडियाज लेवल के हैं, यानी कि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले। मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह सकता कि आप लोगों के एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसी से रिलेटेड आने वाले हैं, ठीक है। तो आइडिया लग गया होगा, नहीं आप लोग बाद में बोले कि सर जो आपने बताया था उसमें से क्वेश्चन कोई आया ही नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आ जाएँ, और ये मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि ये सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा।
तो दोस्तों आप लोग PDF कहाँ से डाउनलोड करती हैं करना है मैं बता दूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा एक वेबसाइट है जहाँ पर www.sandeepinfo.blogspot.com लिखा होगा ऊपर ही, जैसे डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करेंगे वहाँ वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे ओपन करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। तो वहाँ पर आप जैसे BA BSc लिखा रहेगा तो जैसे BA पे क्लिक करेंगे आप तो सबसे नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री फर्स्ट पेपर, तो उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट वीडियो में डीपली बता दूंगा कि कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।